शायद उनमें दो नए ना 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 सर आप अपने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा तक तो कर नहीं पाए मंत्रियों के भी मैंने तो कभी जय सर तो बता देंगे मुझे मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान है मैं चुनौती नहीं देता उनके ज्ञान को जय सर मुझे बता देंगे तिवारी शासन काल से लेकर आज धामी शासन काल आ गया कभी ऐसी नौबत आई हो सदन के भीतर बिना मंत्री को के बिना मंत्रालय बटे हुए विभाग के हुआ सर ऐसा देखिए बिना पहली बार बिना विभाग के मंत्री बैठे हुए बिना विभाग के पहली बार मंत्री सदन से बैठा हुआ है और जो संकल्प आ रहा है वो पिछले सरकार की इस सरकार के इरादे आप नहीं बता रहे हैं इस सरकार का संकल्प क्या है नहीं बता रहे हैं इस सरकार का रोड मैप क्या है आप रविंद्र जी ये पहला सत्र है आगे 5 साल तक आपकी सरकार चलनी है और हम आपको शुभकामनाएं अगले 10 साल भी चले लेकिन लेकिन ये अभी इस 5 साल में आप क्या करेंगे हमारे लिए इस गरीब जनता के लिए ओके अमरदीप जी संकल्प कहाँ है जी ये पहला पहला जो सत्र होता है आप 5 साल में पहला जो सत्र है आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था आने वाले 5 सालों के लिए सबसे ज्यादा इसी में तो आपका विजन नजर आना चाहिए था ना कि भाई हम पलायन पर ऐसा करेंगे बेरोजगारी पर हम ऐसा करेंगे शिक्षा पर हम ऐसा करेंगे यहाँ की जो समस्या है वो आ रहा है आपदाएं आ रही हैं गंभीर समस्या है आपदा की नहीं सर उस पर हम ये करेंगे इनसे तो आने, आने वाले क्या अच्छा वो भी गायब है कॉमन सिविल कोड भी कहाँ है वाह यही तो मैं पूछने वाला था इनसे अभी कॉमन सिविल कोड ही नहीं है कॉमन सिविल कोड भी नहीं है मतलब आप अभी भाषण में कर रहे हैं भाषण में कॉमन सिविल कोड जिस पे आपने चुनाव लड़ दिया वही नहीं है चलिए लोकायुक्त तो भूल गए आंखें बंद कर ली आपने कॉमन सिविल कोड भी नहीं है ये एक सेकंड अमरजीत